अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के आज कंप्यूटर में हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों आज एक प्रॉब्लम है मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये HP की प्रोबुक है, ये मॉडल नंबर है इसका। इसके अंदर ये इशू आ रहा है कि इसका प्रोसेसर फ़ैन जो है वो स्टक है और वो चल नहीं रहा, तो उसकी वजह से हमारा लैपटॉप प्रोसेसर हीट अप हो रहा है बहुत ज़्यादा और ये डिस्प्ले भी छोड़ देता है और किसी टाइम ये हैंग भी हो जाता है और बंद भी हो जाता है। तो इस का सलूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर तो इसका जो सेंसर होता है टेम्परेचर सेंसर उसका इशू है तो फिर वो रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन फर्दर इसका इशू जो है वो बायोस का है। हम बायोस को रीसेट करेंगे तो इसका फ़ैन ऑटोमेटिक चल जाएगा। बटन प्रेस करके आप इसके बायोस में जाएंगे, बायोस की सेटअप के अंदर जाके आपने सेटिंग करनी है, वो मैं आपको तरीका का सारा समझा दूंगा। आपने इस तरीके को फॉलो करना है और इसको फॉलो करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपने ये सेटिंग आ गई है, आपने सिंपली इसको ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे रखना है। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे रख के आपने इसको यस कर देना, एंटर कर दें या यस कर दें। नीचे ये आपकी सेव की ऑप्शन है, सेव की ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे और फिर आप यस करके इसको सेव कर देंगे। फिर आपने एस्केप करके इसको फिर चेंजिंग को सेव कर देना आपने। ये तरीका कार है, अब आपका फ़ैन जो है वो वर्किंग में आ जाएगा और रेगुलर चलेगा। ये हीट अप होने के बाद आपका फ़ैन इसको कूलिंग का सिस्टम सारा ठीक कर देगा। इसको खोल के हम चेक करते हैं कि हमारा ये फ़ैन काम करता है कि नहीं। अभी हमने लैपटॉप ऑन किया, हम इसको चेक करते हैं कि आया कि हमारा वो इशू ठीक हुआ है या नहीं। तो हम इसको चेक करते हैं, ये आप देखें अभी हमारा ये फ़ैन हमारा ऑटो हो गया है। जब आपका ये प्रोसेसर हीट अप होगा, तो आपका ये फ़ैन ऑटो चलेगा और उसकी कूलिंग करेगा। तो ये तरीका कार है, आपने इसको फॉलो करना है। अगर फिर भी कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मुमकिन हुआ तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।